हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पर बात करने वाली हूँ. आप सब जानते होंगे स्नैपी गर्ल्स, ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है और इनका ये हमारे ग्वालियर के बिल्कुल पास में शिवपुरी है, वहीं की रहने वाली है. इनका ससुराल है और ये बेचारी लाइक जब से मैंने इनको देखना शुरू किया है ना, इनके लाइफ में ना दुख ही दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकती. जब मैंने इनको देखा था तब इनकी एक बेबी हो गई थी और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड से. इनको भी कोविड हुआ था पर ये बच गई, तफाक से ये बच गई. और तभी इनका चैनल का कुछ इश्यू था तो इन्होंने इसरार जो है टेक्निकल टेक इसरार, उनसे बात बात करने का कुछ था तो मैं वही देख रही थी. फिर उसके बाद इनकी मैं बराबर इनके ब्लॉगिंग्स वगैरह देखती थी. फिर इनकी शादी राजवीर जी से हो गई, बहुत खुशी थी. राजवीर ने इनको बहुत प्यार किया, राजवीर इनके सगे देवर ही थे. लेकिन आज जो मैं सुन रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के. और मैं ना लाइक मेरा दिल इतना रो पड़ा है और मैं बिलीव नहीं कर सकती. इतनी हसमुख लड़की, डांस करना, इनकी बातें सुनना, कुकिंग करना, सास ससुर की सेवा करना, बहुत सेवा करती थी भाई ये सबकी. मैं इसको देखती थी, मैं इतना चौंक गई हूँ ना सुन के. ये 18 साल की थी जब इनकी शादी हुई थी. आप लोग खुद भी सुनो. मेरी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सहन कर लेती थी. मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी. आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी. वो चीज मैंने सहन करी है. मैंने मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, गला दबा देते थे. सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना. फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा. हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही. आज कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी. कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह. रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे थे. फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी, तो तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को. मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, बुरे तरीके से मारा. मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था. फिर बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को. मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था. ये हालत थी मेरी. मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से. वो लड़ाई किसकी वजह से होती थी? जिन चीजों इन्होंने प्रूफ भी दिया, बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी. जब पति दे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे. धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेले घुट घुट के मैं वही हूं परेशान. अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सलूक किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करी. परवरिश जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती पति ऐसे होता है. सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी सब लोग. फिर भी मैंने हेट सहन करी, एक अपने पहले पति को भूल गई. भाई ऐसी हालत करेगा कौन नहीं भूलेगा. जाएगी फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी. उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह. जब पता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे. मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे. इस कमरे में बंद थी मैं. ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी सबको सबको. सुनाओ कुत्तों के जैसे सुलूक हो रहा है एक औरत के साथ, और चैनल पे हमें दिखाते बहुत खुश है, बहुत अच्छे है. अरे एट मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे. जब हम भगवान का काम कर रही हूँ, चीनी बैठे मेरे. धड़कन ना ऐसे बढ़ रही है सुन के. ज्यादा करेंगे ना, दादाजी कान में दूध डाल के सो रहे हैं, घर में कांड हो रहा है, इन लोगों को पता ही नहीं है. तू बोल ही रही हो तो मैं. अरे
मेरी बात सुनना, गेट बंद है, पापा जा रहा था, मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर सूरज मुझे छोड़ के इंदौर चले गए थे, फिर ये घर रहने आए थे, और जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहा है ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुखी पाए अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बात है, आप पूरी सुनाऊंगी, अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी, इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं। ये बड़े सीधे बनते हैं ना, हमारे दो बेटे खोए हैं, मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार कि हाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको सब पता था तब भी मैं घर में रह रही थी। और ये लोग कहते हैं मेरी शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी, कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे, अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती, इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खाती मेरी शादी हुई। इतना आज मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ, उस टाइम पे ला देती इनकी ऐसे हो जाती सबकी पूरे घर की, तो वो थी शादी, ठीक है। उसके बाद राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा, मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस उस जिंदगी भर मानूंगी। हाँ, सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था, सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया, जो नीचे जो माँ बाप बैठे हैं इनकी वजह से, हर एक बात पर लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है, अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मारते, पर मैं सच्चाई सारी दिखा दूंगी, सारी पीछे जो हुआ मेरे साथ में, फिर भी आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मेरे जैसी दुनिया में कोई लड़की हो जैसे खड़ी हूँ, और वो भी होंगी तो बेचारी मर जाती हैं, कौन देख रहा है उनको, पर आज मेरे पास आप लोग हैं दिखाने के लिए, प्लेटफॉर्म है, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। कोई भी सहन मत करो, छोड़ दो वहीं पे, सब छोड़ के अपनी जिंदगी जियो, सिंगल जिंदगी जी लो, क्या इतना मत सहन करो किसी का भी। तो आप लोगों ने सुनी लिया कि कितनी मतलब दुख झेल रही थी ये, और हम लोग सब लोग सोच रहे थे कि चलो इनके सास ससुर बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, अपनी बहू को प्यार से रखा है, नातिनों को प्यार से रखा है, पर इतनी गंदी असलियत थी इन लोगों की, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो पता कितना महान समझती थी इन लोगों को, मैं इतना महान समझ रही थी कि बहुत महान लोग हैं भाई ये लोग तो, कि बेटा खोने के बाद भी उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी कर दी, और शादी भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि अपने कामना में छुपा सके ना, वरना इन पर पता है कितना बड़ा धाराएं लगती, इनको कितनी जेल पहुंचते, और जेल में जाके ना चक्की पीसते, और बार बार पता नहीं बहुओं को ऐसा क्यों बोलते हैं कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तू क्या मायके से लेकर आई है, भैया तो हमारा है क्या, मायके जाओ तो मायके वाले कहते तू अपने ससुराल में जा, हमारे यहाँ हक मत जता, और यहाँ पर आते हैं तो भैया तुम्हारा यहाँ क्या है, तो अपने मायके से नहीं लाई थी, तो हमारा है कहाँ पे, ये तो हमें कोई बता दे। तो माताजी और पिताजी जो इनके हैं ना, अभी तक तो आपके घर में हाहाकार मच गया होगा, न जाने आप लोगों ने क्या क्या कर लिया होगा। और है ना, पता है जो लोग इनको हरियाणा का समझ रहे हैं, हरियाणा की नहीं है, हमारे पास की है, और मैं बता दूं कलेश मचाने में भिंड मुरैना और इधर जो आसपास का एरिया है ना, यहाँ के लोग वास्तव में बहुत, कहना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये बात हकीकत है, असलियत है, यहाँ के जो लोग है ना उनकी मानसिकता इतनी घटिया है, इतनी नीचे गिरी हुई है ना, जैसे कोई हद ही नहीं है। ये लोग पता है बहू को सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं, कि बहू मींस एक नौकरानी, काम करने के लिए आई है बंदी, मारो कूटो कुछ भी करो, हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं तो तुम हमारे लिए काम कर रही हो, तो हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करी हो, मैं भुगत चुकी हूँ। हाँ, बस भगवान की दया से ना, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, गाली गलौच नहीं करी, गाली तक नहीं दी उन्होंने, लेकिन जो उनके घर वाले थे ना भाई, हाँ यही डोकर डोकरिया, यहाँ पे डोकर डोकरिया, ये बुढ़ा बुढ़िया जो ये बोल रही ना वही चीज़ है। यहाँ के लोग जो भिंड मुरैना क्षेत्र के, ये ग्वालियर भी उसी उसमें आता है, शिवपुरी जहाँ पे ये रहती है भी उसी में आता है, पता नहीं इनके घर वाले कुछ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, मायके वाले कुछ लेंगे कि नहीं, पर मैं तो चाहती हूँ कि इनके ना इनके जो पिताजी, माँ तो बस सीधी लगती थी, पर जो पिताजी को मैं देखती थी बहुत तेज तर्रार लगते थे, तो इस तरह के घटिया सोच वालों के लिए ना, मैं तो सच्ची कह रही हूँ जेल जाना चाहिए इन्हें, जेल में जाके पता करना चाहिए। और दादाजी ऐसे कैसे कान में रुई घुसेड़ के सो रहे हैं, तुम्हारी बहू पिट रही है, चिल्ला रही है, और तुम सुन ही नहीं रही हो। हाँ, कुछ इनको पता ही नहीं चल रहा है, और पिता बेचारे राजवीर ने इनका बहुत ध्यान रखना, सब कितना अच्छे से किया, पर भगवान ने वो भी छीन लिया। खैर फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में ज़रूर मुझे बताना, कमेंट करना, और जितना भी इनकी जो भी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग फैला सके, लोगों को बता सके कि बस मतलब बस, ज़्यादा बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, अपनी खुशी सबसे ज़रूरी है, तभी बाद में हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।